हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नो होम्योपैथी एंड यस समृद्धि शर्मा इज हियर टू गाइड यू। और आज की वीडियो में आपसे डिजीज़ क्लासिफिकेशन में साइकोसिस और साइकोसिस ओवर कंस्ट्रक्शन जो एच ए रॉबर्ट्स फिलोसॉफी के चैप्टर हैं उनको मैं आपसे डिस्कस करूँगी। तो यहाँ पर आप एक एक जो भी लाइन में बोलूँ बहुत ध्यान से सुनना, बिकॉज बहुत से लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं और स्किप करने के कारण उन्हें जो पॉइंट्स मैंने वीडियो में बताए हैं वो समझ में नहीं आते, फिर वो वही क्वेश्चंस वापस रिपीट करते हैं जो वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड होते हैं। दैट्स व्हाई मैं हमेशा कहती हूँ कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। ओके, तो चलिए आज की वीडियो को मैं शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो साइकोसिस है उसको फिगवॉर्ट डिजीज़ या कोंडाइलोमेटस डिजीज़ भी कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर आप देखो साइकोसिस ओवर कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है। एक चैप्टर है एच रॉबर्ट्स फिलोसॉफी में, आप खोल के देखोगे तो साइकोसिस ओवर कंस्ट्रक्शन। ओके, इसका मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सोरा में हम देखते हैं कि सोरा में लैक ऑफ एसिमिलेशन होता है, मरीज़ खाता पीता तो है लेकिन उसकी बॉडी को पता ही नहीं चलता कि वो गया कहाँ। ठीक है, जब हम सोरिक पेशेंट्स को देखेंगे तो देर इज़ लैक ऑफ एसिमिलेशन दैट इज़ शोइंग इन द बॉडी। और आप देखो कि वहाँ पे जो ग्रोथ है बॉडी की वो भी कम हो जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि उन लोगों के भूख बहुत ज़्यादा लगती है। ये सोरा की बात हो गई। लेकिन अगर मैं साइकोसिस की बात करूँ तो साइकोसिस मियाज़म में क्या होता है कि जिसके अंदर प्रीडोमिनेंट साइकोसिस होता है उसमें देयर इज़ ओवर एसिमिलेशन। ओके, यानी कि हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा एसिमिलेशन हो रहा है खाने का। तो वो एसिमिलेट होने के बाद क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं इकट्ठा होने लग जाता है। ठीक है, यानी कि ओवर कंस्ट्रक्शन होने लग जाता है। मानो किसी ने खाना खाया, ठीक है, उस लिमिट तक खाया जहाँ तक उसका पेट भर गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, सोरिक पेशेंट्स में तो एसिमिलेशन ही नहीं हो रहा, तो बॉडी को पता ही नहीं चल रहा कि खाना इसने खाया भी था क्या। ठीक है, उनमें ऐसे कि ऐसे जो स्टूल है वो बन के निकल गया, अनडाइजेस्टेड स्टूल पास आउट हो गया। साइकोसिस में क्या होता है, भूख लगी, खाना खाया, ठीक है, वो पूरा बॉडी ने ले लिया, पूरा बॉडी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, एसिमिलेट कर लिया, उसके बाद उन्होंने और जो कुछ भी खाया वो इकट्ठा होने लग गया। क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट जो होती है वो आप देखोगे कि डेली रिक्वायरमेंट जो बॉडी की है वो एक लिमिटेड अमाउंट तक होती है। उस लिमिटेड अमाउंट के आगे आप कुछ भी खाओगे पियोगे वो आपके या तो फैट बनाएगा या फिर वो बॉडी में इकट्ठा होने लग जाएगा। ओके, तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ द साइकोसिस ओवर कंस्ट्रक्शन। ओके, नाउ मैं आपको बता देती हूँ साइकोसिस के बारे में जो फिलोसॉफी में बता रखा है, और बहुत ज़रूरी है आपको ये बातें ध्यान से सुनना। साइकोसिस इज़ डेवलप्ड ड्यू टू सप्रेशन ऑफ गोनोरिया। ओके, गोनोरिया किसी मरीज़ में सप्रेस हुआ, साइकोसिस डेवलप हो गया। गोनोरिया इज़ अक्यूट इन्फेक्शन ऑफ गोनोकोकाई विच टेक्स 5 to 10 days टू डेवलप यूरेथ्राइटिस। अगर किसी को गोनोकोकाई इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, गोनोरियल इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसको 5 to 10 days लगते हैं यूरेथ्राइटिस में डेवलप होने में। ठीक है, अब ये 5 to 10 days इसको यूरेथ्राइटिस में डेवलप होने में लग रहे हैं तो ये एक तरीके का इंक्यूबेशन पीरियड जो है उस इंसान के अंदर चल रहा है। उस इंक्यूबेशन पीरियड में वहाँ पर क्या होगा कि इन्फेक्शन हो रहा है मरीज को, क्योंकि जो गोनोकोकाई है वो रेप्लिकेट कर रहा है बॉडी के अंदर। ठीक है, देन लोकल मैनिफेस्टेशंस आर थ्रोन आउटवर्ड। सबसे पहले क्या हुआ, गोनोकोकाई इन्फेक्शन हुआ, गोनोरियल इन्फेक्शन हुआ, उसको 5 to 10 days लगते हैं यूरेथ्राइटिस डेवलप होने में। उस बीच में जो वायर ये जो गोनोकोकाई है वो क्या हुआ, रेप्लिकेट करने लग गया, और रेप्लिकेट कर रहा, और उसके बाद उसने जो लोकल मैनिफेस्टेशंस हैं वो शो किए। By the nature at the point of attack as a resentment of vital energy to the infection. Okay, यानी कि उसी तरीके से वो बॉडी के अंदर एंटर हुआ, उसने प्राइमरी एक्शन किया, उस प्राइमरी एक्शन के टाइम जो वाइटल फोर्स था वो पैसिव था। ठीक है, उसने उसके इम्प्रेशंस रिसीव करे और बॉडी के अंदर वो रेप्लिकेट हुआ। ओके, इफ़ द गोनोरिया इज कम्प्लीटली क्योर्ड प्रैक्टिकली नो साइकोसिस एवर डेवलप्स। अगर गोनोरिया को क्योर कर लिया जाता, ठीक है, तो मरीज़ के अंदर साइकोसिस डेवलप नहीं होता। साइकोसिस इज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर सप्रेस्ड गोनोरिया व्हेन द अक्यूट इन्फेक्शन इज ड्राइवन इन अपॉन वाइटल एनर्जी बाय एक्सटर्नल मेथड ऑफ सप्रेशन। ठीक है,
अगर गोनोरिया को ठीक कर लिया जाता तो साइकोसिस डेवलप नहीं होता। साइकोसिस क्यों एस्टैब्लिश हुआ कि गोनोरिया सप्रेस हो गया? क्यों सप्रेस हुआ? क्योंकि कोई एक्सटर्नल मेथड मरीज़ ने यूज़ किए, सप्रेस कर लिया उसको और वो एक सिस्टमिक स्टिग्मा बन गया मरीज़ का। ठीक है, परमिटिंग एवरी लिविंग सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब वो हर लिविंग सेल में उसका अपना अंश चला गया। एंड ट्रांसमिटिंग इट्स डेडली डिस्ट्रक्टिव फोर्स टू ऑफ स्प्रिंग्स, मतलब अब उस मरीज़ के जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं उनमें भी वो साइकोसिस जाएगा, एज वेल एज रिटेनिंग द फुल डिस्ट्रक्टिवनेस ऑफ इट्स पावर इन ओरिजिनल इंडिविजुअल, जो जिसको खुद को गोनोरिया हुआ हुआ है उसको, उसके अंदर तो उसकी जो डिस्ट्रक्टिव पावर है वो रहेगी ही, साथ ही साथ एंड इम्प्रेगनेटिंग मदर ऑफ चाइल्ड, यानी कि आप देखो कि कितनी लाइफ्स में वो एंटर कर गया। एक तो खुद जो मरीज़ था उसको तो होगा ही, साथ में जो चाइल्ड है उसको भी होगा और मदर को भी होगा। ठीक है, ये तब हुआ जब उसको लोकली सप्रेस कर लिया, एक्सटर्नली उसको हटा दिया लेकिन वो इंटरनली चला गया बॉडी के अंदर और अब वो ऑफ स्प्रिंग्स तक चला गया। अगर उसको क्योर कर लिया जाता तो क्या होता कि वो आगे पास ऑन नहीं होता और साइकोसिस डेवलप नहीं होता। ओके, सप्रेस गोनोरियल इन्फेक्शन फर्स्ट शो इट्सेल्फ अटैकिंग द ब्लड एंड प्रोड्यूसिंग एनीमिक कंडीशन। सप्रेस्ड इन्फेक्शन जो है वो पहले क्या करेगा कि ब्लड में अटैक करेगा और एनीमिक कंडीशन प्रोड्यूस करेगा। एंड जनरल कैटाल कंडीशन इज सेटअप। कैटाल कंडीशन किस तरीके की? जो डिस्चार्जेस हैं, जो साइकोटिक मियाज़म के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें आराम मिलता है डिस्चार्ज से। अब जो डिस्चार्ज है वो नॉर्मल नहीं होता, वो डिस्चार्ज होता है एबनॉर्मल, तो इस ऐसे डिस्चार्जेस से उसको आराम मिलता है, तो एक जनरल कैटाल कंडीशन सेटअप हो जाती है। ऑफन समटाइम्स एन इन्फ्लेमेटरी रूमेटिज्म डेवलप, इन्फ्लेमेशन फॉलोज इन सॉफ्ट टिश्यू एंड चेंजेस इन मसल फाइबर्स। अब गोनोरिया सप्रेस हुआ, रूमेटिज्म डेवलप हुआ, तो इसमें बहुत अच्छी दवाई है मेडोरिनम। मेडोरिनम में गोनोरिया सप्रेस होने के बाद जो रूमेटिज्म डेवलप हो रहा है वो है मेडोरिनम। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं लिखा हुआ है इन्फ्लेमेटरी रूमेटिज्म डेवलप हो रहा है, इन्फ्लेमेशन फॉलोज इन सॉफ्ट टिश्यूज एंड चेंजेस इन द मसल फाइबर्स, यानी कि इन्फ्लेमेशन हुआ मतलब सबसे पहले क्या हुआ, गोनोरिया हुआ, गोनोरिया सप्रेस होकर रूमेटिज़म हुआ। रूमेटिज़म क्या है? एक तरीके का इन्फ्लेमेशन है, वो इन्फ्लेमेशन सॉफ्ट टिश्यूज़ में गया फिर वो मसल्स में गया, तो आप देखो कि पूरी बॉडी में जो हर सेल है उसको इन्वॉल्व कर लिया। अब इनफैक्ट होल ऑर्गेनिज्म इज इन्वॉल्व, समटाइम्स स्ट्रेस इज डेवलप्ड इन द लिम्फेटिक्स, स्वेलिंग इन द ग्रोइन फॉलोइंग सप्रेशन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। लिम्फेटिक स्ट्रेसेस यानी कि जो लिम्फ है वो फ्लो नहीं हो रहा, वो रुक गया। अब रुक गया, कहीं ना कहीं उसमें ब्लॉकेज आ गया, तो वो कहीं ना कहीं इकट्ठा होगा, इकट्ठा होगा तो वो क्या हो गया, वहाँ पे जो है ओवरग्रोथ होगी, जो भी ऑर्गन पार्ट को इन्वॉल्व कर रहा है वहाँ पे वो लिम्फ इकट्ठा होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, सूजन आएगी, और सूजन जो है वो क्या है, साइकोटिक है। ठीक है, अब जैसे आप देखो कि ग्रोइन स्वेलिंग हो जाएगी और प्रोस्टेट ग्लैंड स्वेल हो जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द साइकोटिक मियाज़म कि किस तरीके से ये डेवलप हुआ। अब इसमें सबसे पहले प्राइमरी मैनिफेस्टेशन क्या होता है, कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ। कॉन्डाइलोमेटस डिजीज़ है, कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ होती है जेनाइटल्स पे। ओके, अब क्या होता है कि किसी ने इम्प्योर क्वेश्चन कर लिया, उसके बाद कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ हो गई, उसके बाद मरीज़ क्या करता है कि पहले डॉक्टर के पास नहीं जाता, और या अगर चला भी जाता है तो ट्राई टू फाइंड आउट द अल्टरनेटिव। ओके, कि वो उनको कट करा लेता है, जो ग्रोथ हुई हैं उनको जो है सर्जिकली ऑपरेट करा लेता है। उसके बाद क्या होता है कि जो ये ग्रोथ हुई है वो कट आउट हो जाती है, उसके बाद वो ड्राइवन इनवर्ड हो जाती है, कि जो साइकोटिक मियाज़म है वो अंदर चला जाता है और फिर वो सेकेंडरी मैनिफेस्टेशंस देता है। सेकेंडरी मैनिफेस्टेशंस क्या हैं? सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन इज सिंपली द पेशेंट्स मेंटल सिम्टम्स एज वेल एज द फिजिकल सिम्टम। मेंटल सिम्टम्स साइकोटिक के क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सस्पिशियस। आप देखोगे कि इस हद तक ये सस्पिशियस हो जाता है, इस हद तक इसको शक होता है कि ये खुद पर भी शक कर लेता है। आम इंसान क्या करता है, दूसरे पर ही शक करता है, एंड इट इज़ नॉट अ बेड थिंग, अच्छी चीज़ है, बिकॉज हमें
एकदम से किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन ये खुद पे भी विश्वास नहीं करता। जो साइकोटिक मियाज़म का पेशेंट है वो खुद पे भी विश्वास नहीं करता। अगर इसने खुद कुछ काम भी किया है ना, तो ये उसे 10 बार चेक करेगा जाके कि क्या मैंने सही तो किया ना। इतना डाउट, इतना डाउटफुल हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि इसको शक करने की इतनी आदत होती है, इतना शक करता है कि इसका जो शक है वो इसको पता ही नहीं चलता कब ज्वेलसी में कन्वर्ट हो गया, ये शक कब जो है ईर्ष्या में कन्वर्ट हो गया, इसको पता ही नहीं चलता। ठीक है, ये फिर जो लोग अच्छा काम करते हैं, जो जल्दी से कर लेते हैं, उनसे इसको परेशानी होने लग जाती है एक तरीके से कि यार मेरे को तो 1 घंटा लग रहा है इस काम में, बिकॉज इसको विश्वास नहीं है। ठीक है, दूसरे ने अगर वो काम 10 मिनट में कर लिया तो इसको उनसे ज्वेलसी हो जाती है। टेंडेंसी टू हार्म अदर्स एंड एनिमल्स, फिर इसमें क्या होता है, एक तरीके की टेंडेंसी डेवलप होती है, क्रुएल्टी डेवलप हो जाती है। ये जो पेशेंट है वो क्रुअल हो जाता है कि हार्म अदर्स एज वेल एज एनिमल्स। कनिंग डिसाइट, यानी कि चालाकी से फिर ये डिसाइटफुल, धोखा देने लग जाता है। फॉरगॉट्स रीसेंट हैपनिंग्स एंड रिमेंबर द पास्ट इवेंट। अब आप देखोगे कि साइकोसिस मियाज़म का जो पेशेंट होता है उसको क्या होता है कि रीसेंट हैपनिंग्स तो भूल जाता है। फॉरगॉट रीसेंट हैपनिंग्स बट रिमेंबर द पास्ट इवेंट, यानी कि अभी अभी क्या हुआ है इसको ये तो याद नहीं रहता, लेकिन पुरानी बातें इसको याद रहती हैं। कैटाल कंडीशन, कैटाल कंडीशन मैंने आपको बताया है कि इसमें क्या है कि जो एबनॉर्मल डिस्चार्जेस हैं उससे आराम मिलता है। एबनॉर्मल डिस्चार्जेस क्या होते हैं, ल्यूकोरिया, ओटोरिया, ठीक है, जो भी पैथोलॉजिकल कंडीशन है उनसे जो डिस्चार्ज है, ठीक है, एबनॉर्मल कंडीशंस हैं उनसे जो डिस्चार्ज है उससे मरीज़ को आराम मिलता है। यानी कि आप देखो कि नॉर्मल डिस्चार्ज होता है यूरिन, डायरिया, स्वेट, इनसे इसको आराम नहीं मिलता। यूरिन पास आउट कर ली स्वेट से, या फिर आप देखो जो भी नॉर्मल डिस्चार्ज है बॉडी से उनसे इसको आराम नहीं मिलेगा। इसको आराम कैसे मिलेगा जब नॉर्मल डिस्चार्ज होगा। फ़िश ब्राइन डिस्चार्ज, डिस्चार्ज जो होते हैं बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होते हैं, फ़िश ब्राइन डिस्चार्ज होता है, ऐसा लगता है कि सड़ी हुई बदबू आती है बिल्कुल। ठीक है, आप देखो कि ओवरग्रोथ हो रही है तो जो नेजल सेप्टम्स हैं वहाँ पे, जो नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं वहाँ पे भी कुछ ना कुछ इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो नेजल पैसेज हैं वो नैरो हो रहे हैं। अब नैरो हो रहे हैं उसकी वजह से नाक बंद रह रही है। ठीक है, नेजल स्टॉपेज, सांस लेने में दिक्कत होती है, एस्थमेटिक कंडीशंस डेवलप हो जाती है। ओके, बिकॉज जितना ऑक्सीजन बॉडी को चाहिए वो नहीं जा पा रहा। ओके, एंड डिस्चार्जेस आर द साउल स्मेलिंग डिस्चार्जेस। ओके, सो दीज आर द सेकेंडरी मैनिफेस्टेशंस ऑफ द साइकोटिक मियाज़म। अगर आपको इंडिविजुअली साइकोटिक मियाज़म पढ़ना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाके आप साइकोटिक मियाज़म को देख सकते हैं। ओके, बट दिस इज़ हाउ द साइकोसिस डेवलप्स इन द पेशेंट। कैसे डेवलप हुआ वो मैंने आपको सब बता दिया, और उसके प्राइमरी मैनिफेस्टेशन क्या था और सेकेंडरी क्या था वो सब मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो अगर किसी को इंडिविजुअली देखना है मियाज़म को तो आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर आपको एच रॉबर्ट्स से देखना था तो मैंने आपको बता दिया कि एच रॉबर्ट्स फिलोसॉफी में क्या लिखा हुआ है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव भी है। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नो होम्योपैथी।